शुक्रवार को मंडी लगती है सब्जी की, और सब्जी फ्रूट सभी कुछ मिलता है। एक शुक्रवार को लगती है और एक सोमवार को लगती है। तो गए थे शर्मा जी, हर रोज तो हम गली में से ही ज्यादातर सब्जी ले रहे थे, जो हमारे घर के बाहर ही हमारे घर के नीचे ही वो ठेले पर बेचने आते हैं, वहीं से ले लेते थे। लेकिन आज काफी दिनों के बाद, लॉकडाउन के बाद, आशय फर्स्ट टाइम सब्जी मंडी गए हैं सब्जी लेने के लिए। तो सब्जियां ज्यादा तो नहीं लेते हैं हम, जितनी भी हैं वो ले आए हैं। सैलेड वगैरह चाहिए होता है, सब्जियां चाहिए होती हैं, तो ले ही आए हैं। तो ये सब्जियां, थोड़े से आलू ले आए, और ये गोल्डन एप्पल ले आए, घिया, और क्या है, शिमला मिर्च, टमाटर, शिमला मिर्च टमाटर वगैरह, ये तो सैलेड वगैरह के भी काम आ जाते हैं। हाँ, कहाँ जाना है? कहाँ? बाहर। अब बाहर जाना होता है तो ऐसे दरवाजे के आगे खड़ा हो जाता है कि मेरे को बाहर कर। बाहर से किसी डॉग की आवाज आ गई है और ये भी अब बाहर जाना चाहता है। देखो 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 देखो। हाँ, कौन है? कौन है बाहर? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है बाहर। दोस्त बाहर कौन है? अच्छा, वहां पे नहीं, मेरे पैर पे ये खड़े हैं, इनको काम करा है। हाँ, वो खड़े हैं तो खड़े रहने दो। बाहर गली में डॉग्स नजर आ जाए तो उनको जरूर भौंक चाहिए। हाँ, क्या हो गया लड्डू? अच्छा, बस बस, वो चले जाएंगे, चले जाएंगे, वो चले जाएंगे। चुप चुप हो जाओ। अच्छा तो बस ना, बस बस बिट्टू, बस लड्डू। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं छोटी वाली सिस्टर और मम्मी आई हुई थी, तो ऐसे ही बैठे बैठे मूड किया कि चलो सेवियाँ बनाते हैं। तो हाथ से हम लोग बहुत पहले तो घर में सेवियाँ बनाया करते थे, तो और फिर उनको सुखा कर भून कर फिर तब बनाई जाती थी। मतलब अभी तो ये वटनी है, हमने बनानी है, तो उसके लिए मेरी छोटी बहन आटा गूँथ रही है, मैदा और सूजी। ये सेवियाँ बट रहे हैं मम्मी और बहन, और ये बहन के दोनों बच्चे खेल रहे हैं, ईशु और दीशु। और ये मम्मी और छोटी और सिस्टर ने ये हाथों में आटे के वो छोटी छोटी सी लोइयाँ लेके उसकी लंबी लंबी वो बना लेते हैं, फिर ऐसे ये सेवियाँ ये बट रहे हैं। तो बहुत पहले तो पुराने ज़माने में मेरी दादी थी, जब दादा वगैरह धोते थे, दादियाँ हमारी वो बटा करती थी, मम्मी भी बटती थी। अब आजकल लोगों ने बाज़ार से जब से खाना लेना शुरू कर दिया ज़्यादा, तो घर में ये चीज़ें बंद ही कर दी हैं। लेकिन हमने आज ये बटी, पुराने ज़माने को हमने फिर से वापस लेकर आए। कल की वीडियो बनानी है, क्लास में लगेगी कल योगा की। हाँ, में थी, कहा है फिट रहना है तो आठ घंटा समय दो, फिट रहना है तो अपने बच्चों के साथ हंसो। ताई, दुनिया इतनी बाहर निकलने लग गई है, सवेरे इतनी भीड़ होती है। आज कम थी, आज कम है ना, सैटरडे था, कहीं होगी छुट्टी उट्टी का होगा माहौल। कल बड़ी भीड़ सी, कल भी कम थी लगे। और सेवियाँ हम बटते जा रहे हैं और बातें भी करते जा रहे हैं। तो दोपहर का टाइम है,
और सोए भी नहीं, सोते तो हम है ही लोग नहीं, मैं भी नहीं सोती, हमारे यहाँ कोई भी नहीं सोता। तो दोपहर का टाइम हमने ये सेवियाँ बटने में ये आटा गूथा हुआ है और उसके ऊपर गीला कपड़ा रखा हुआ है। ये छोटी बहन कर रही है, उसने एक प्लेट अपने पास रखी हुई है, ये प्लेट मैंने अपने पास रखी हुई है, तो हम कर रहे हैं। मम्मी ने अपनी थाली अपने पास अलग से रखी हुई है, फिर लास्ट में सारों को इकट्ठा कर देंगे क्योंकि सूखने के लिए रखनी है। और ये भांजा ईशु है, ये अपना मोबाइल में गेम खेल रहा है। तो हम बातें भी करते जा रहे थे और ये भी चलो एक दूसरे के सहारे से कोई भी काम है वो हो जाता है। तो अकेले बैठ के कई बार करो तो उसमें क्या होता है, मन भी नहीं लगता और अकेले काम भी निकलता नहीं है ज़्यादा। तो तीन जने काम कर रहे हैं तो मतलब चलो कुछ दिन लगातार करेंगे तो मेरी थोड़ी सी सेवियाँ इकट्ठी हो जाएंगी। तो अकेले बैठ के तो मैं बिल्कुल ही नहीं कर पाती। तो दोपहर का टाइम है और कहीं बाहर भी नहीं जा सकते, तो टाइम भी पास हो गया और अपना फिर सेवियाँ भी मेरी बन गई, हमारी गप्पबाजी भी चलती रही, गप्पे भी हम लोग मारते रहे। तो इस तरह से हमने ये टाइम पास किया। और ये सेवियाँ खाने में इतनी टेस्टी होती हैं ना, इनको जब नमकीन बना के खाया जाए आलू प्याज का तड़का लगा के, बहुत ही औसम बनती हैं। जिनको मीठी पसंद है वो मीठी भी खा सकते हैं। और इनको पहले ना भून के रखना पड़ता है, जैसे ही ये सूख जाएंगी, धूप इसको लगवा दूंगी एक बार अच्छी से, बिल्कुल जब सूख जाएंगी तो फिर इनको हम कढ़ाई में भून के मैं फिर डिब्बे में बंद करके रख दूंगी। उससे क्या होगा कि ख़राब भी नहीं होती हैं और अच्छी बनी पड़ी रह जाती हैं। ये छोटे वाला भांजा था, ये भी यहीं घूम रहा है, बच्चे भी यहीं पर साथ हैं मेरी बहन के, तो ये भी हम भी एक दूसरे के घर आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, वो भी आ जाती है हमारे घर, हम भी चले जाते हैं। तो और मम्मी आ जाई हुई थी, काफ़ी दिन के बाद आई थी मम्मी, सुबह ही आ गई थी 11-12 बजे के करीब। सारे दिन के लिए तो मम्मी कम ही आती हैं, हाँ शाम को ही थोड़ी बहुत देर के लिए आ जाती हैं, 1.5 घंटे के लिए। तो आज मम्मी ने सुबह ही बोल दिया था कि मैं आऊँगी, तो सुबह से तो ध्यान नहीं था, एकदम अचानक बैठे बैठे आया कि मम्मी सेवियाँ बनवा दो, तो कहती हाँ सुबह से ही बता देती तो सुबह से ही शुरू कर देते। तो इसका जो आटा रखना पड़ता है, इसको बार बार एक गीला कपड़ा साथ में रखना पड़ता है, मैंने मलमल का गीला कपड़ा लिया हुआ है तो गीले के अंदर ही रखना पड़ता है, नहीं तो वैसे भी सूख जाता है क्योंकि पंखे भी चल रहे होते हैं आजकल में, तो वही गीले में। अब देखिए तीनों के हाथ चल रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, और बहुत मज़ा आया जब हमने इस तरह ये सेवियाँ बनाई। मेरे को जब मैं वॉइस दे रही हूँ इस वीडियो में तो मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, तो लेकिन मैंने कहा चलो नहीं वीडियो एडिट कर लेती हूँ, वॉइस दे देती हूँ इसमें अपनी। तो अब जो है बस ये थोड़ा सा ही हमने आटा किया था, ये ख़त्म होने ही वाला है, तो चलिए आगे देखेंगे ये कैसी बनती हैं। जब इनको बनाऊंगी तो आपको भी, आप सभी को इसका मैं टेस्ट ज़रूर करवाऊंगी। और आप लोग हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो जो भी देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से, शेयर करने से हमें हमारा उत्साह बढ़ता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, तो अच्छा लगता है कि हमें सब लोग देखते हैं, कुछ हमें बताते हैं, इकट्ठे मिलजुल कर बैठना चाहिए, इस तरह रिश्ते मजबूत रहते हैं। तो आपस में हंसिए, बोलिए, इकट्ठे बैठिए, काम करिए, मज़े करिए।